लौंडे कितने हरामी होते हैं मैं बताता हूँ। माई बॉयज आर सो हरामी मैन। मेरा एक दोस्त था, हाँ यार था, काफी टाइम हो गया बात कर हुई नहीं उससे, पता नहीं मेरे को फीलिंग क्यों आ रही है, उससे कभी होगी भी नहीं। टूटा हुआ सांस बट तो चीज ये है कि उसकी बहन थी बड़ी, तो उसकी बड़ी बहन की शादी होने वाली थी, मतलब उसके घर वाले ढूंढ रहे थे उसकी बड़ी बहन के लिए रिश्ता, ये सब कुछ ठीक है। तो ढूंढते उनको एक रिश्ता मिला, ठीक है। अब वो रिश्ता मिला तो भाई ऐसे बातचीत वगैरह हुई, भाई मेरे को ये चीज पता चली इसी स्टोरी के थ्रू कि भाई एक चीज होती है प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स, उनका काम होता है कि शादी से पहले दूसरे के जो दूसरा घर है जिसके साथ शादी होनी है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालना। तो ये लड़की के घर वाले, जो मेरे दोस्त के घर वाले, उन्होंने बुलाया प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर और उन्होंने भाई बोला कि भाई अच्छा इस घर में हमें रिश्ता करना है, एक बार इसका चिट्ठा निकालो क्या सीन है, कि कोई खोट तो नहीं है लड़के में, कोई परिवार में दिक्कत तो नहीं है। तो वो इन्वेस्टिगेटर गया साथ, इन्वेस्टिगेटर गया तो वहाँ पे जाके वो फॉलो वगैरह करते हैं लड़के वड़के, देखते हैं कहाँ जा रहा है क्या कर रहे हैं वो। तो पता चला कि लड़का ना भाई बहुत बड़ा पार्टीबाज है, पार्टियां बहुत करता है, लाइक शराब पीना भाई, क्लबों में जाना, ये पार्टी पर्सन है। अब ये चीज पसंद नहीं आई मेरे दोस्त के घर वालों को, उन्होंने फिर रिश्ता कर दिया कैंसिल। तो स्टोरी शुरू होती है अब, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, मैं काम कर रहा था, मैं एडिटिंग कर रहा था, मैं यहीं पे था स्टूडियो पे था, उसका फोन आता मेरे को, मैंने उठाया, बोलता अरे रोहन कहाँ है, मैं भाई मैं काम कर रहा हूँ एडिट कर रहा हूँ, बोल। बोले भाई पार्टी करेगा, ठीक है, तू था ना ऋषि, हाँ ऋषि भी था, ठीक है, वो तो भाई पार्टी करेगा। और वो जो हमारा दोस्त है ना, वो हमने कभी उसे पार्टी करते हुए देखा नहीं, तो इट वॉज वेरी स्ट्रेंज फॉर अस एंड वी वर लाइक अच्छा आपको पार्टी करनी है, अच्छा कहाँ चलना है बताओ, ठीक है। तो वो बोलता कि भाई तू चल मैं लेके चलूंगा, मैं अच्छा ठीक है भाई चलो। वो आया पिक करने, हम बैठे तैयार व्यार होके भाई, ब्लैक शर्ट और डाल के वैंच, ठीक है, हम तो पार्टी है मूड में। अब हम गए एम्बियंस की तरफ, मैं भाई यहाँ पे कहाँ ले जा रहा है, ठीक है, एम्बियंस में कोई क्लब है ऐसा तो मैंने कुछ सुना नहीं, मैं लेके कहाँ जा रहा है, हाउस पार्टी क्या सीन है। तो एम्बियंस के पास में ना बहुत सारे ऐसे ग्राउंड्स हैं, ग्राउंड्स और हॉल्स वगैरह हैं, ठीक है। तो वो उनके साइड ले गया, जाते 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 ना एक बड़े से इंडोर डोम के अंदर ना भाई ऐसे डुचुक 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 ऐसा आवाज आ रही है, लाइक लिट पार्टी शिट, ठीक है, ऐसा डुचुक डुचुक आवाज आ रही है, ठीक है। अब हम वो अंदर ले गया उसी की तरफ गाड़ी और उसकी पार्किंग में लगाने लगा, हम खुश भाई, मैं भाई आज तो ये पार्टी कराएगा गलत, क्योंकि भाई अगर इतना बड़ा डोम है उसके अंदर डुचुक डुचुक आ रही है भाई, दरवाजे कांच के और ऐसे अंदर पूरा रेनबो दिख रहा है लाइटों का, भाई कुछ तो पार्टी होगी अंदर। अच्छा भाई मैं हम खुश, हम अंदर घुसे, अंदर घुसते ही भाई 8-10 हुक्के लगे पड़े हैं, ठीक है, कहीं आंटी लगी हुई, कहीं अंकल लगे हुए हैं, कोई लड़का लगा हुआ, लड़की लगे हुए, गुड़ 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 हुक्का मार रहे हैं भाई, अलग सीन चल रहा है। थोड़ा अंदर घुसे भाई, इस साइड बार है, इस साइड बार है, ठीक है, स्टेज पे कोई तो फेमस सिंगर कपल था, नहीं दिखा नहीं सकते भाई, तो कोई तो फेमस सिंगर कपल है भाई, वो गा रहा है बहनचोद, भाई पार्टी चल रही है उधर, बहुत गलत पार्टी चल रही है, हम प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे थे वहाँ पे हो क्या रहा है। फिर हमने नोटिस करना शुरू करा क्राउड को थोड़ा, ठीक है, हम क्राउड को देख रहे हैं, मैं ठीक है, लड़के हैं बहुत सारे, लड़कियां हैं बहुत सारे, ये ओल्ड कपल्स क्यों हैं यहाँ पे इतने सारे, क्या हो रहा है ये समझ नहीं आ रहा। फिर हमने थोड़ा और ध्यान दिया तो हमें समझ आया, अच्छा ये ओल्ड कपल्स और ये बच्चे अलग अलग नहीं है, ये फैमिलीज हैं। फिर हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने के लिए बार के पीछे गए, तो भाई वहाँ पे पूरा फूड सेक्शन, और फूड सेक्शन ऐसा कि भाई इस साइज के गोलगप्पे, ऐसे वो लग्जूरियस वाला, लाइक बहुत सही सीन था। तो हमें तब समझ आया फक ये शादी है, हम शादी में आए हुए हैं। तो हमने पूछा भाई ये किसकी शादी है, क्या हो रहा है। तो बोलता भाई तेको याद है, मतलब मेरी बहन के लिए लड़का देख रहे थे वो, हमने बोला हाँ, बोला हाँ उसकी शादी है। मैं हम इधर क्या कर रहे, तूने मार खानी है, बोले नहीं नहीं उनका इनवाइट आया था तो मेरे को अकेले आना था यहाँ पे, ठीक है, तो मैं सोचा अपने भाइयों को ले आऊं। मैं उल्लू के पट्टे, एक तो भाई तू हमें पार्टी बोल के शादी में ले आया, ठीक है, वैसे अच्छी थी, ठीक है, तो हमने उसको माफ कर दिया इस चीज के लिए। दूसरी चीज, उसको तुमने रिजेक्ट करा है, उसकी पार्टी में तू दारू पिला रहा है यहाँ पे, क्या चल रहा है। बोलता अरे देख कुछ नहीं होता, तू मजे कर, और बोल के खुद गायब हो गया। उसके बाद वो हमें ही नहीं दिखा। तो हम आधा घंटा तो वहाँ पे बैठ गए साइड में कि भाई हमें समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। आधे घंटे बाद वी वर लाइक कि भाई देखो यहाँ पे उसको ही पहचानेंगे, हमें तो कोई वैसे नहीं पहचान रहा, हम वैसे घुस चुके हैं। उसके बाद भाई हमने बना दिया शादी को क्लब, और
फन फैक्ट ये है कि वो शादी क्लब थीम्ड ही थी और उस समय समझ आ रहा था शिट ये सही में पार्टी वाले लोग है भाई, पार्टी पर्सन ही था वो, उसने अपनी शादी की थीम ही पार्टी रखी है भाई। अंकल आंटी सब नशे में भाई साहब हुक्के चल रहे हैं, पागलपन हो रहा है, तो हम भी थोड़ा बहुत नाच नूच के आ गए वापस फिर उस टाइम। तो हाँ भाई ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं जो जो अपनी शादियों का थीम ही क्लब पार्टी रखते हैं, तो मैं ऐसी एक शादी में गया हूँ। हाँ